क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन और उसका टॉपिक है क्लास रेप्टाइलिया। पहले मैंने आपको क्लास एम्फीबिया के बारे में बताया था, ठीक है। एम्फीबिया में आते हैं फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है। तो अब हम करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जैसे लीजर्स वगैरह बच्चे इसमें आती हैं। तो क्या है रेप्टाइलिया, इज़ अ क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा इन विच एनिमल्स पोसेस ड्राई स्किन। इसमें जो स्किन होती है एनिमल्स की वो क्या होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, स्केल से कवर होती है। इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट, इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट तो हैं बट इनकम्प्लीटली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डू यू नो द ओनली पॉइजनस लीजर्ड इज, सबसे जो खतरनाक जहरीली लीजर्ड है उसका नाम है हेलोडर्मा। ऑल अदर लीजर्ड्स आर नॉन पॉइजनस, बाकी जो लीजर्ड्स होती हैं वो कम पॉइजनस होती हैं। वेरेनस कैमोडोनिसिस इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लीजेंड प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सबसे जो बड़ी लीजर्ड पाई जाती है वो कौन सी है, वेरेनस, ठीक है, उसका नाम बताया गया है। उसके बाद है बच्चे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, हैबिटेट एंड हैबिट। रेप्टाइलिया इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रू एनिमल्स, ट्रू एनिमल्स में उनमें सबसे पहली क्लास है। बॉडी वॉल, इसमें मैंने बताया आपको कि ड्राई होती है, स्किन रफ होती हैं, विदाउट ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स नहीं हैं, ठीक है। अगर ग्लैंड्स होंगे तो वो सिक्रीट करेंगे कुछ, तो बॉडी ड्राई नहीं होगी, इनमें ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्केल, स्केल से कवर होती है बॉडी। हार्ट, हार्ट इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनल का मीनिंग अंदर होती है। एग्स जो होते हैं हार्ड शेल्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। एम्ब्रियो इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द एग बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड टफ शेल। जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है एग के अंदर होता है, और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल, अब रेप्टाइल्स में कौन कौन से मतलब एनिमल्स आते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वॉल लिज़र्ड आती है, ठीक है, जो हमारे घर पर भी होती है, हेमीडक्टाइलस। सेकेंड इज़ चॉटवाइज, जिसको क्या बोला जाता है, टेस्टुडो, ठीक है। थर्ड इज़ कोबरा, कोबरा को नाजा एंड चैमिलोन, ये सब चीज़ें आती हैं। ये उनकी फिगर दिखाई गई है, ठीक है, पिक्चर्स दिखाई गई हैं। डिफरेंस क्या अब एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया के पास बच्चे जो स्किन थी वो ग्लैंडुलर थी। ग्लैंडुलर का क्या मीनिंग है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्मूथ थी इनकी स्किन मोस्ट थी, थोड़ी नमी वाली। इनमें नॉन ग्लैंडुलर हैं, ड्राई स्किन है एंड रफ है। सेकेंड इज स्केल्स एंड क्लॉज, दे आर एबसेंट, इनमें स्केल्स नहीं होते, क्लॉज नहीं होते, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। डिजिट्स होती हैं, क्लॉज होते हैं, ठीक है। क्लॉज क्या होते हैं बच्चे, ये पंजे वगैरह होते हैं ना, ये वाले, इनको क्लॉज बोला जाता है। नेक्स्ट, हार्ट इसमें थ्री चैम्बर था, याद रखना आपने, एम्फीबिया में थ्री चैम्बर हार्ट है, फ्रॉग वगैरह में और जो रेप्टाइल्स हैं लिज़र्ड वगैरह उनमें हार्ट जो है इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है, इनमें इंटरनल होती है। नेक्स्ट क्लास इज एवस, पहले हमने क्या किया था रेप्टाइलिया के बारे में, अब एव्स, एव्स में आते हैं बर्ड्स। एव्स और बर्ड्स आर वार्म ब्लड वर्टिब्रेट्स इन विच द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनमें जो फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हुए होते हैं, विंग्स में, इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, खम वगैरह। द बॉडी इज कवर्ड विद फैदर्स, फैदर से कवर होती है इनकी बॉडी। जार्स आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी टूथलेस बीक, इनके पास बीक होती है, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास बीक होती है। बीक को हम क्या बोलते हैं, चुंज वगैरह जिसको बोलते हो आप। डू यू नो पीकॉक जो हमारा है वो नेशनल बर्ड है, और टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है इंडिया का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चे आपका करैक्टरिस्टिक्स कैसी होती है रेप्टाइल्स, मतलब कि जो बर्ड्स हैं उनकी उनकी स्किन कैसी होती है बर्ड्स की, ड्राई होती है। एक्सेप्ट फॉर अ प्रीन ग्लैंड फॉर ड्रेसिंग फैदर्स, द बॉडी इज़ कवर्ड बाय फैदर्स, इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है फैदर से कवर्ड होती है। तो जो फैदर हैं बच्चे, फैदर पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कौन सा ग्लैंड है, प्रीन ग्लैंड। सेकेंड, लिम्स, लिम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विंग्स होते हैं इनमें। हिंड लिम्स यूजली बियर फोर क्लॉड डिजिट्स फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड पर्चिंग। जो हिंड लिम्स होते हैं मीन्स ऐसे हमारे हाथ हैं, ठीक है, तो जो हाथ वगैरह हैं, सॉरी, जो इनके पैर वगैरह होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए एंड पर्चिंग के लिए। बीक, जॉज आर प्रोलॉन्ग टू फॉर्म टूथलेस हॉर्नी बीक, इनके पास टूथलेस हॉर्नी बीक होती है। बर्ड्स मिल्क, ओसोफेगस इज़ मॉडिफाइड टू स्टोर एंड सॉफ्टन द फूड, इनके पास ओसोफेगस होता है जो क्या करता है, इनके फूड को स्टोर करके रखता है, सॉफ्ट करके रखता है। इट इज़ कॉल्ड बर्ड्स मिल्क, उनको बर्ड का मिल्क भी बोला जाता है। विच इज़ यूज फॉर फीडिंग द यंग बर्ड्स, जब इनके बच्चे होते हैं तो उनको ये फीड दी जाती है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स एब्सेंट है।
इंस्टेड अ न्यू वॉइस बॉक्स कॉल्ड सिरिंक्स, इनके पास एक नया वॉइस बॉक्स है जिसका नाम क्या है, सिरिंक्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बेस में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कौन सी है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट लेस बर्ड है, पीकॉक नेशनल बर्ड है, पीजन, स्पैरो, क्रॉ। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लर्न करनी है बर्ड्स की, इसकी स्किन कैसी है। नेक्स्ट जब अच्छी आपका आपकी क्लास आती है ममेलिया, तो ममेलिया कौन सी क्लास है बच्चे, ममेलिया क्लास वो है जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है। मैमल्स तो वार्म ब्लडेड होते हैं, हेरी होते हैं, हेरी आप अपने पे याद रखो कि आप हेरी हो ना, हेयर्स प्रेजेंट है आपके, फोर लिम्ड हो आप, ठीक है। फोर लिम्ड कैसे हैं आपके, दो हाथ हैं दो पैर हैं, तो चार लिम्ब्स हो गए। वर्टिब्रेट्स विद मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स बच्चे जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो जब बेबी को फीड किया जाता है वो मिल्क दिया जाता है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। करेक्टरिस्टिक स्किन कैसी होती है आपकी, स्किन इज कवर्ड विद हेयर, हेयर से कवर है, ठीक है। स्किन ऑल्सो पोसेस ऑयल ग्लैंड्स, हमारी स्किन के पास ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, पसीना वगैरह आता है आपको, ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल की सेक्रेशन करते हैं। फीमेल्स के पास क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वो अपने यंग वंस को जो उनके बच्चे उनको नरिश कर सके। टीथ हमारे पास हैं हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। एंड थिकोडोंट एम्बेडेड इन सॉकेट, सॉकेट मीन्स वो किसी चीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है, दबे हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चे सर्वाइकल वर्टिब्रा, नेक कंटेन्स 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो नेक है हमारी उसके पास 7 वर्टिब्रा होते हैं। डायफाग्राम इट इज़ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन ट्रंक एंड थोरेक्स के बीच जो भी पार्टीशन होती है उसको डायफाग्राम बोला जाता है। पिन्ना एक्सटर्नल फ्लैशी ईयर कॉल्ड पिन्ना इज प्रेजेंट, ईयर प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। वीवी परी मोस्ट मैमल्स जो होते हैं वीवी पेरस होते हैं, मीन्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। और जैसे कंगारू है, कंगारू अपने कंगारू है वो पाउच कॉल्ड मर्सूपियन, कंगारू के पास में एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है जब वो इनकम्प्लीटली पूरी तरह अच्छी तरह से डिवेलप नहीं हुआ होता। एग्जांपल डॉग आते हैं इसमें, कैट्स आती हैं, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, व्हेल, मंकी, बैट, कंगारू, ह्यूमन, ये सब जो आते हैं बच्चे ये किस में आते हैं, ममेलिया क्लास में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या डिफरेंस है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। विंग्स फोर लिम्स इनमें किस में मॉडिफाई हुई हैं, विंग्स में, और मैमल्स में विंग्स होते हैं नो एब्सेंट, हम उड़ते तो नहीं हैं एक्सेप्ट इन बैट्स। फैदर्स एंड स्केल बॉडी किससे कवर होती है, फैदर्स एंड स्केल्स से, हमारे पास फैदर्स भी नहीं है स्केल्स भी नहीं, हमारी बॉडी किससे कवर होगी, हेयर से। मेमरी ग्लैंड इनमें एब्सेंट होते हैं, हमारे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यंग वंस। डायफाग्राम इनमें एब्सेंट है, हमारे में प्रेजेंट है। बीक हमारे में बीक तो नहीं होती, चुंजू तो नहीं होती, इनमें होती है, इनमें एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन में ओवी पेरस होती है, रिप्रोडक्शन में वीवी पेरस होती है, ठीक है। तो जो ये इनवर्टिब्रेट का जो टॉपिक है ये हम टुमारो करेंगे।